हमारे साथ देवेंद्र भाई भी हैं, लखनऊ चल रहे हैं। क्या बात, 3 दिन की छुट्टी, मजे आ गए क्यों भाई? मजा आ गया है, 3 दिन बाहर रहने का मौका मिलेगा। हाँ तो देखो गाड़ी आगे जाएगी क्या, पीले नंबर प्लेट वाली लखनऊ। पूछो क्या पता जाएगा ये। लो भैया सैनिक ढाबा के पास चले गए और यहाँ पे जो है प्रोग्राम चल रहा है, जय गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा है पीछे भाई, और यहाँ पे उतर गए, चलते हैं। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है अंदर? भंडारा वंडारा भी चल रहा है, है? भंडारा सत्संग की बात मिली है, चालू मिली। अच्छा जब सत्संग खत्म हो जाएगा तब होगा, कितने बजे से होगा, कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 2 दिन का कलाम हो रहेगा। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव। कहाँ से आए दादा? गोंडा। गोंडा, अरे बाप रे, बड़ी दूर दूर से। आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्नाव, गोंडा। देख रहे हैं कितनी भीड़ है भाई, यहाँ पे लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं, बस में भर भर के उन्नाव गोंडा पूरे यूपी, क्या मुझे लग रहा है इंडिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? नखलऊ। ये देख रहे हो भाई बसों का पूरा, कभी इतनी भीड़ नहीं दिखा करती थी, यहाँ बसों का पूरा मेला रेला लगा हुआ है। देख रहे कितनी गाड़ियां लग गई हैं यहाँ, आज लग रहा है यहाँ पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। देखिए ये देखो भैया देवेंद्र जी का प्लाट, सरसों जम गया इस पे, और ये उनका प्लाट है अक्षय का है। थोड़ा थोड़ा पिताजी खोद रहे हैं, लग रहा है इसको सूख तो रहा है। गर्मी पड़ रही है। जयराम का हाल है? अच्छा ये फूल कह रहे थे टूट गया, एक और दूसरा फूल निकला, निकल रहा है। अरे आज भंडारा खाई जाए जय गुरुदेव वाला, हैं? खाए चाहिए कि ना? तो है, कितने बजे चलेगा भंडारा? वो तो कह रहे नहीं चल रहा, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब चलेगा। नहीं तो कार्यक्रम खाना चली, घी का चलाना है, हैं? और खाना समर ओके 5 बजे के बाद। अच्छा हैं, ये देखिए आज यहाँ का रहमत नगर का कचालू है, राम सुखे बनाए हैं। दे रहा हूँ खाने की ना है। अच्छा आलू उबाल के कचालू बना, आलू उबाल। तेरा वोल्ट। हाँ गर्मात ना है वो, तनी को ना है गर्म, और टीन वाय एकदम ठंडा ठंडा है, जो बता रहे हैं जो चीज बताऊंगा वो टीना ठंडा। आज रहूं कि यहाँ लगत भाई की कार्यक्रम है। लीजिए परशुराम जी आ गए, और आज बना है कचालू, रामसुख बनाए हैं। और यहाँ का कचालू अलग तरीके से बनता है, गुड़ हो आलू उबाल के, मटर मटर उबाला रहा हो कि भुना रहा? उबाल उबाल, मटर आलू सब उबाला है, सब उबाला है। अच्छा गुड़ भी पड़ा है, गुड़ पड़ा, सिरका पड़ा। हाँ तो ये रहमत नगर लखनऊ का कचालू है ये, लीजिए आज कचालू खाइए, बताइए आपके यहाँ कचालू कैसा बना है। ऐसे बनता है ना, हमारे यहाँ वाला कचालू ना खाई ले, कहो वाला। अच्छा अपने यहाँ वाला बनाए थे, बनाए थे वो वाला खाए थे, तरकारी है ये, हाँ हमारे यहाँ तरकारी सब्जी। अच्छा
चलो ठीक। ये देखिए ठेकेदार ने अपनी बल्ली रखी है और यहाँ बाउंड्री हटवानी है क्या बल्ली? अच्छा ये देखो यहाँ बाउंड्री उंड्री हो जा रही भैया, आ गए अपने मकान पे। कैसा लग रहा है लोकेशन, कैसी लग रही है? अरे ठीक है, हैं? मकान वकान यहाँ ज्यादा बन गया, अभी चलते हैं अंदर की तरफ तब देखिएगा। मैं देखिए बाहर प्लास्टर हो गया है, इधर देख रहे हैं गिट्टी उट्टी डलवा दिया, लगभग काम खत्म करने जा रहा है। सीढ़ी खाली गड़बड़ हो गई, लटक गई बीच में, क्रैक हो गई थी वहां से ना, दीवाल में नहीं घुसा ना सीढ़ी, दीवाल में नहीं घुसा, दीवाल में घुसा होता तो सही हो जाता। फिर इधर भी गिट्टी उट्टी गिरवा दिया इन्होंने, देख रहे हैं इधर भी बराबर करवा दिया। बहुत सारा ईंटा इसमें भरा हुआ, अभी इधर प्लास्टर बाकी है। ये आंगन है? है? ये आंगन? हाँ आंगन है, ये आंगन है, ये भी बराबर कर दिया। कम है ना, ज्यादा बालू लगा दी फिर जो है झड़ने लगता है, बालू मजबूती नहीं। तो परशुराम जी भैया देखिए अपना हमारे घर का मुआयना करने आए हैं, बताइए कैसा है? है तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। अभी समय लगेगा मेंटेन करने में ना, फर्श हो जाए प्लास्टर हो जाए फिर एक साल मतलब एक महीना सूखेगा, सूख जाओ उसके बाद फिर कुछ इसमें काम धाम करेंगे, फिर मतलब पुट्टी उट्टी का काम बाद में होगा फिर ना। तो वही सब देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, कोई कमी उमी हो तो बताइए। कमी तो कोई नहीं भैया, जी सीढ़ी गड़बड़ की, छता नहीं देखो भाई, भीतर छता देखो भाई कैसे ऊंचा नीचा बना है, छता देखो ध्यान से घुस के कमरा में तो बताओ। देखो छता लटक है कि बराबर है? सेटिंग क्या अच्छी नहीं थी का? अरे सब सड़ियल सटरिंग देख तो रहे हो, सामान तो रखा तो है बाहर। बल्लिया जाए का कीले गाड़ टूटे वाली नहीं बल्ली है, बल्ली बहुत गड़बड़ आई, बल्ली बहुत गड़बड़ है ना, सेकंड हैंड पूरा, सेकंड हैंड पूरा माल है एकदम, कहीं से खरीदा हुआ ना, खरीदा नहीं रिक्वायरमेंट है। हाँ अब कोई छत कहीं भी छत सही नहीं है इनकी, सारी छतें गड़बड़ हैं और बात मानने को तैयार नहीं हैं, सब जगह ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, पूरी छत मिलेगी। मिश्रा जी का देखो भैया शटरिंग का काम चल रहा है अभी, का मतलब जमीन जो है रास्ते कोई नहीं। अच्छा रास्ते 14-15, ये भी तिवारी जी बना रहे हैं भैया नाली वाली, रास्ता पर होता तो इसका कीमत ज्यादा। अब देखिए गाड़ियां आ रही हैं, अब हम लोगों को क्रॉस करना है, गाड़ी वाला आ जाओ। SHO की गाड़ी है, पुलिस भी लगी है। हाँ पुलिस भी लग गई गाड़ी, कहाँ उधर से चला जाए, इधर से भी लोग जा रहे हैं। कहाँ से आयो भैया? जय गुरुदेव। कहाँ से आयो? हम हाँ बहराइच से। बहराइच से? कितने दिन रहेंगे यहाँ? यहाँ हाँ बस आज आए हैं, कल चले जाएंगे। अच्छा कल चले जाएंगे, तो ये बस वस फ्री रहती है आपकी? नहीं है, किराया देते हैं। अच्छा किराया देते हैं, अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया। थाना गोसाईगंज, ये जय गुरुदेव का देख रहे हैं, भीड़ इतनी है भाई, शिव जी की असली पूजा व दर्शन के लिए शिव नेत्र का
खुलना जरूरी है। ये बना है गेट और उसी गेट से हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। चलिए आइए चला जाए अंदर। ये पकौड़ी वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई। चाय पकौड़ी वाले देख रहे हैं। 20 बोरी प्याज आवा है। बाप रे, मैं तो सोच रहा था छोटा मोटा प्रोग्राम है, यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है। दुकान उकान भी है यहाँ? सब दुकान है, रेलवे पड़ेगा। पुलिस अधिकारी अधिकारी सब आए हुए हैं यहाँ। यहाँ क्या हो रहा है? ये है गुरुदेव ना बाबा। जय गुरुदेव। वही जिससे हम बात कर रहे थे ना, हाँ। वो कह रहे थे कि ये भी यादव थे। हाँ, बाबा गुरुदेव। बाबा यादव है। ये पंडाल सोने होने के लिए। अच्छा, इसमें कार्यक्रम होगा ना? हाँ। इस वाले में। हाँ। किधर चले हम लोग? चले चलो सीधा है। हाँ। अभी थोड़ी ना कार्यक्रम होगा। देख रहे कितना, अरे बाबा, कई बीघा में पूरा फैला हुआ है। हैं? खेत तक ले चुराई हुई उधर हैं? इतनी भीड़ होती है, देख रहे हैं कितनी आदमी की भीड़। सब यही सोएंगे सब है? ये सब किराए पे लिए हैं कि ऐसे लिए हैं? ये सब किराए पावा सब। जिला जिला टेंट लगा है। ओ बाप, कोई जिला से आने तुमको पहुंचाएंगे। इतनी भीड़ है बताइए। मोटरसाइकिल से भी लोग आए हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल तो यहाँ तक चली आती। बस का काम हुआ है, पहले बस परसा लिया एक महीना पहले। अच्छा, अपना सब इंतजाम उंतजाम लेके आए हैं? ये देखिए सब लोग। अरे भैया, इतनी भीड़ है पूछो मत। सब खाना बन रहा, खा रहे हैं। इधर देखिए रोटियां बन रही हैं, है भंडारे में। टेंट लगे हुए हैं सारे लोग, आ ही रहे हैं अभी। देखिए पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। जय गुरुदेव। कहां से आए भैया? नेपालगंज से आए। नेपालगंज? नेपालगंज तो नेपाल में है। हाँ। अरे वाह, चलिए आपका स्वागत है भाई, आप लोग आइए। बड़ी दूर, जय गुरुदेव, बड़ी दूर से आ रहे हैं। हाँ यार, देखिए हम नेपाल का भंडारा मिला खाने के। भैया नेपाल जैसा लग भी रहा आदमी। देखिए हमारा स्वागत नेपाल में हुआ है। हैं? पत्तल तो बड़ी बढ़िया बनाए भैया। हाँ, आज नेपाली खाना मिल गया भाई, बड़ा बढ़िया है। देखो सब्जी मिला। अरे वाह, ये सब वहीं से आया भैया, नेपाल से? यही इंडिया का है? नेपाल का है। नेपाल का है? बस 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 बस, देखो पानी पत्तल खाना मिल गया। बहुत सारे लोग खा रहे हैं। भंडारा, जय गुरुदेव। ये परशुराम जी, आज का भंडारा खा के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कल भी आएंगे? हाँ। नहीं, बस बस। ये पत्तल का भंडारा मजा आ गया खा के। ये नेपाल से बाबू आया है, क्या नाम बेटा? इधर देखो मेरी तरफ है। अच्छा, ये देखिए सब, बहुत सारे लोग नेपाल से बैठ के खा रहे हैं। हम लोगों का नसीब देखिए, हम लोग नेपाल के भंडारा कैंप में आज खाना खाए और नेपाल के पत्तल में खाना खाए। चावल, सब्जी, दाल और क्या, रोटी, खिचड़ी भी थोड़ा टेस्ट किया। रात में बहुत अच्छा नहीं दिखा पा रहे, कल सुबह जब होगी तो आपको ये कार्यालय और ये जो प्रोग्राम है जय गुरुदेव वाला, ये कल आपको अच्छे से दिखाएंगे। और इतनी भीड़ है, मुझे लगता है 50,000 आदमी तो आया होगा ना। 50,000 आदमी तो लाया ही होगा। कल मैं आपको दिखाता हूँ, कल मिलते लाखों में। हम लोग तो यही खाना वाना खा लिए, पिताजी को बोले हैं दूध रोटी खा के सो जाइए, अपना चलते हैं उधर ही मड़ैया पे अपने।